तो आज संडे है, भी अच्छा रास्ते में ही हमें पार्सल भी मिल गया है, तो इतने सारे बंदर है। अब यहाँ पे चल रही है हमारी पार्टी, फ्रेंच फ्राई वाली पार्टी। ये देखो मजे आने वाले हैं बहुत ज्यादा। आना शूज पहनो। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं फिर से लोहिया पार्क, और हम लोग देखो कितना ज्यादा विंटर के कपड़े पहनकर आए हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है। लेकिन हमें पता नहीं था कि बाहर इतनी धूप निकल रही होगी, और गर्मी भी लग रही है, मान्या को भी लग रही होगी। इतनी मोटी जैकेट पहना दी मैंने मान्या को, और क्योंकि भाई अब लोहिया पार्क के अलावा कोई और पार्क तो है नहीं यहाँ पर। तो आज संडे है और हमने सोचा कि संडे को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, वहीं से कुछ खाएंगे पियेंगे, मस्ती करेंगे और फन करेंगे। रास्ते में एक पार्सल आया है, उसको भी रिसीव करना है। पार्सल को जैसे ही हम लोग अभी पार्किंग से अपने निकले, वैसे ही कॉल आने लगा कि आपका पार्सल आया है। सो अभी पार्सल भी रिसीव करना है। और ये देखो कुन्नू पुन्नू बहुत एक्साइटेड हो रही थी जाने के लिए पार्क में। आज हम लोग ना पूरी प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं, सारा सामान भी ले लिया पार्क के लिए, बॉल ले ली है मान्या के लिए, बैट बॉल है वो ले लिया है मान्या को खिलाने के लिए। और आज हम मान्या को ना सुलाकर भी लाए हैं, तो ये दोपहर की इसने नैप ले ली है, तो आज अच्छे से एंजॉय कर पाएगी। उवा, उवा, उवा। पैर हटा लो बेटा। जी जी निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से, अभी देखते हैं पार्सल आ रहा होगा, देखते हैं। राम बर्तन भंडार कहाँ है, थोड़ा आगे है ना। बड़ी यार गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। वो पिन वो कोड आएगा क्या? डॉगी को बुला लो, डॉगी को। डॉगी आओ, डॉगी आ जाओ, आ जाओ डॉगी, आ जाओ डॉगी। हाँ हाँ आए तो कोड पहले भी आया होगा। अच्छा रास्ते में ही हमें पार्सल भी मिल गया है, तो पार्सल भी रिसीव कर लिया हम लोगों ने। अच्छा हुआ सही टाइम पे पार्सल आ गया, नहीं तो फिर बाद में ना हमें मना करना पड़ता और कल आता। वो निकालेंगे कैसे? सामान ले लेना। कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ पे मंकी जाना नहीं छोड़ सकते, इतने सारे बंदर, इतने सारे सामान तो ले लो। मंकी दिखाती हूँ, ये रहा बंदर, ये देखो मंकी, ये देखो, ये देखो, ये देखो गला मंडी हो रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वहाँ पे रखो बेटा बीच में। गाइस अब यहाँ पे चल रही है हमारी पार्टी, फ्रेंच फ्राई वाली पार्टी। ये देखो मान्या, आज हम सही टाइम पाए, धूप भी निकल रही है और मजे से खेलेंगे। देखो बहुत सारी भीड़ है आज, बहुत ज्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, मजे आने वाले हैं बहुत ज्यादा। मान्या सब देख सबको देख के खुश होएगी, अच्छा लगेगा इसे। आज भीड़ भी काफी है। फेंक दो मानू। ये देखो ये छोटा डॉन हमारा, छोटा डॉन पागल हो रखा है, छोटा डॉन पागल हो रखा है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी मान्या तो मेरे को खेल नहीं दे रही है।
मानू मानू जा रहे हम लोग बाय तुझे तक 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 तकते रहना ये सारा फैलावा भी उठाना पड़ेगा हमें। मानू को जैकेट पहना दी है स्लीपर पहन लेते हैं भाई। 75 बार मेरे यार आओ फिर सामान रखो ज्यादा टाइम फिर सामान रखो। 75 बार मेरे लो शूज पहनो बेटा माने शूज पहनो। अभी हम लोग आ गए हैं पार्क से घूम घाम के। आज बहुत मस्ती करी पार्क में। अमान्या ने तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी करी सारी चीजें इसने एंजॉय करी। फुटबॉल खेला और उसके बाद में बॉल अपना बैट बॉल खेला। अब ये बहुत ज्यादा थक गई है तो थोड़ा सा दूध पी रही है क्योंकि काफी टाइम से कुछ खाया नहीं था और कुछ ऐसा खाने के लिए यहाँ पे था नहीं तो मैंने सोचा दूध पिला देती हूँ उसे थोड़ा सा जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में क्योंकि थोड़ी बहुत खाना पीना खाएंगे पेट पूजा करेंगे। और मोड़ क्यों ली फिर आपने गाड़ी? बीकानेर। अरे हाँ ये तो बीकानेर है। विनायका इधर है क्या आगे? आज हम लोग विनायका जा रहे हैं मैनपुरी के। हम लोग एक बार गए थे बस एक बार के बाद दोबारा उस रेस्टोरेंट में गए नहीं। आज जाके देखेंगे पहले जैसा ही है या फिर कुछ नया या कुछ बदला है वहाँ पे। आज बहुत थक गए हैं गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। मेनर पहन के बेकार में आ गई। गाइस आ गए हम लोग रेस्टोरेंट। ये विनायक है यहाँ का रूफटॉप एंड लॉज। यहाँ पे डाल दे कितनी मेहनत करते हैं लोग। बहुत शांति है यहाँ पे ज्यादा कोई लोग है नहीं। यहाँ पे तो बहुत ही अंधेरा है इस रेस्टोरेंट में। जब तक लाइट्स ना हो तब तक मजा नहीं आता है। लाइट कैमरा एक्शन चलो। नहीं इधर बैठे हैं यार। देखो यहाँ कितनी अच्छी रोशनी आ रही है वीडियो वीडियो बनाने के लिए हर जगह रोशनी ढूंढते हैं। इधर देखो ये पीछे रोड और दिख रहा है। मैंने कहा यहीं बैठते हैं यार रोशनी तब भी आ रही। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शिनु गिलास विलास फोड़ो बेटा हमें ही देने पड़ेंगे पैसे भरने पड़ेंगे। ये लोग रखते हैं इसीलिए कांच का सामान ताकि तुम तोड़ो और फिर पैसे भरो। तुम सामान तोड़ो और फिर पैसे भरो इसीलिए तो रखते हैं कांच का सामान। नो ये भी था गाड़ी को कुर्सी खींच नहीं रही है। हाँ डांस माने डांस। हाँ मानू क्या मंगाया आप ही डिसाइड कर लो बेटा। यहाँ पे मान्या क्या मंगाया समझ में नहीं आ रही है क्या मंगाया। जरा जरा सी चीजें इतनी ज्यादा की है यहाँ पे। नूडल नहीं अभी तो खा के आए हैं नूडल फिर से नूडल खा लो। मैच कर रही है
बस फिर जैकेट से सेम पिंच पिंकी पोंकी पिंकी पोंकी पिंकी बस तो पूरी छोले और चावल ऑर्डर किए हमने और देखो कितने जरा जरा से आए हैं, इतने ज्यादा ब्राइट और इनकी शक्ल देखो छोले चावल मंगाने के बाद इनका गुस्सा फूट फूट कर निकल रहा है, हंसी के जरिए हंसी निकल रही है गुस्से के बदले में। चलो हम अपने प्लेट में निकालते हैं और खाते हैं, एंजॉय करते हैं। अरे घर पे आ गए, बहुत थक गए हैं और शाम के 7 बज रहे हैं और अंधेरा ऐसा हो गया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ही रात हो गई है। हाँ बेटा, आते ही इसने अपनी जिद शुरू कर दी है, बस आराम से बैठ के 2 मिनट के लिए व्लॉग भी नहीं एंड करने देगी। हाँ या सारा सामान फैला हुआ पड़ा है, मैं सोच रही जल्दी जल्दी सब सही कर दूं फिर आराम से बैठे बिस्तर पे। क्या चाहिए बेटा? मानो नो सीजर रख दो बेटा, सीजर रख दो। मानो कौन आया? सीजर रखो बेटा, लग जाएगी सीजर रख दो। पापा की आवाज सुन के वैसे भाग गई। खोल दो कबाड़, सब खजाना निकालने दो ने। हाय हाय